प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन के शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में सुबह से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण के साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह का वातावरण देखा गया। प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन के शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में कल सुबह से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण के साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह का वातावरण दिखा। कांग्रेसियों के बहुप्रतीक्षित कांग्रेस भवन की मांग जिले के गठन पश्चात ही उठते रही है। 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के लिए जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस भवन राजीव भवन के शिलान्यास एवं भूमि पूजन पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर ने आगंतुक अतिथियों और कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए कहा कि राजीव भवन केवल ईंट पत्थर से बना भवन ही नहीं अपितु हर कांग्रेस कार्यकर्ता के विचारों की आधारभूत संरचना होगी। यह भवन हम सभी के जीवन को नई दिशा देने वाली होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, अबुल मौलाना आजाद, प्रिय दर्शनी इंदिरा गांधी जी के मार्गदर्शन और विचारों को परिलक्षित करने वाला भवन होगा। चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी बलिदानियों की पार्टी है, जो अपने निजी उद्देश्यों से ऊपर उठकर देश प्रेम और जन भावनाओं के अनुरूप अपना जीवन जीते थे। कांग्रेस के छाया सांसद रवि परशुराम भारद्वाज ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार के साथ मेरे परिवार का पारिवारिक संबंध रहा है। भवन बनने से कांग्रेस जन बैठकर पार्टी को सशक्त करने की दिशा में नया आयाम स्थापित करेंगे। कार्यक्रम को वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने संबोधित किया। पंडित भरत महाराज की अगुवाई में 7 पंडितों द्वारा जिले के सभी नदियों के पवित्र जल एवं धार्मिक स्थलों के पवित्र मिट्टी से भरे कलशों की पूजा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन भी किया गया। कार्यक्रम में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती गीता देवांगन, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह, श्रीमती शेषराज हरबंश, पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमती रश्मि गभेल, माल खरौदा ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश गभेल, संगठनों के पदाधिकारी एवं प्रकोष्ठ और विभाग के अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। आज का दिन हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज राजीव गांधी जी की जयंती पूरे भारत के साथ साथ सभी जिला मुख्यालयों में मनाई गई है। निश्चित तौर पे जांजगीर जिला एक ऐतिहासिक जगह है, जहां पर राजीव गांधी जी के नाम से राजीव भवन कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी का भवन का भूमि पूजन किया गया है। मैं राहुल गांधी जी सहित तमाम बड़े नेता हमारे भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी, डॉक्टर चरणदास महन जी, टी एस सिंहदेव जी, पी एल पुनिया जी और डॉक्टर चंदन यादव सहित सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक क्षण में आज भूमि पूजन का जो कार्यक्रम शिलान्यास हुई है, निश्चित तौर पर हम सब कांग्रेस जनों का हर्ष की बात है। यहाँ पर एक एक बूथ से, एक एक पोलिंग बूथ से लोग यहाँ पहुँचे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से पहुँचे, जिला मुख्यालयों से पहुँचे, निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में लोग आकर आज हिस्सा बने, साक्षी बने। उन सभी कांग्रेस जनों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस ऐसे पल को यादगार बनाए और आने वाले दिनों में एक साल के अंतर में हम लोग इस भवन का निर्माण कर राजीव भवन के नाम से गरीब जनता, आम जनता, वंचित शोषित पीड़ित लोगों के साथ हम न्याय कर सके, इस जगह में बैठ के किसानों के लिए, सभी वर्गों के लिए हम काम कर सके, यही भावना हम सब पे होगी और अच्छे स्मरण के साथ राजीव जी का हमेशा याद रोशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आए हुए समस्त अतिथियों का मैं धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार। शक्ति से राम नारायण गौतम की रिपोर्ट, ACN 24।